क्या आपको भी पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे बुखार आने लगता है? क्या आपको भी गला सूख जाता है, हाथ कांपने लगता है? तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे तरीके जिसको यूज़ करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी को कम कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर आपको भी पब्लिक स्पीकिंग में एंजाइटी होती है, मुझे पता है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, मैं भी रहा हूँ। जब बचपन में मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर के 5-6 हेडलाइंस असेंबली में सबके सामने पढ़ना होता था, तो भी मेरे हाथ कांपने लगते थे, पैर थरथराने लगता था, गला सूख जाता था, लगता था कि अभी आई विल थ्रो अप। सो आई नो एग्जैक्टली अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी होती है तो वो क्या होता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको वैसे कुछ 7 तरीके, जो कुछ मेरे खुद के हैं और कुछ मैंने सीखे हैं बहुत सारे पब्लिक स्पीकर से, बहुत सारे ट्रेनर से, आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप उसको अप्लाई करके अपनी एंजाइटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला तरीका है, इसको कहते हैं रिचुअल्स। अगर आपने देखा होगा, अगर आप जानते हैं टोनी रॉबिन्स को, वॉट ही डज इज बिफोर ही गोज टू स्पीक ही जस्ट जम्प्स। एंड मैंने देखा ऐसे अलग अलग पब्लिक स्पीकर्स के अलग अलग रूटीन होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो वो करते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग जंप करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं। मैं पर्सनली थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा बहुत मूवमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे एंग्जाइटी, जो एक एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है, वो बाहर निकल आती है। जो तो फर्स्ट तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिचुअल। अपना एक खुद का रिचुअल बनाइए। पहले आप रिसर्च करिए कि किसके रिचुअल्स, क्या क्या रिचुअल्स हैं, आपके आइडियल स्पीकर का रिचुअल क्या है, अगर आपको पता चल जाए, एंड देन ट्राई टू अप्लाई दैट एंड सी कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, एंड दैट इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर एंग्जाइटी। जो सेकेंड तरीका है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। और ये विजुअलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने ब्रेन के अल्फा स्टेजेस को कहते हैं, जिससे कि आप, फॉर एग्जांपल, लेट्स डू अ स्मॉल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज राइट नाउ। आप अपनी आंखें क्लोज करें, सोचिए कि आप उस परफेक्ट स्टेज पे हैं जहाँ पे आपको जाना है। मे बी एक टेड टॉक, टेडेस टॉक, मे बी आप किसी बड़े हॉल में, स्टेडियम में हैं। विजुअलाइज करिए उसको, कैसा लग रहा होगा आपको, कितने लोग होंगे, क्या सोच रहे हैं आप, एंड देन विजुअलाइज कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप जब आप दे रहे हैं अपना स्पीच, तो लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग आपके लिए हूटिंग कर रहे हैं। इस तरीके का जब ये छोटा सा विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज अगर आप रोज करेंगे, विल डेफिनेटली रिड्यूस योर एंग्जाइटी व्हेन इट कम्स टू पब्लिक। तो नंबर 3 है, विच इज आपको अभी 5 मिनट या 10 मिनट बाद स्पीच देने जाना है, आपको जस्ट पता चला या आपको अंदर से बहुत एंग्जाइटी हो रही है। क्या होता है कि जब ऐसी एंग्जाइटी होती है, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डोंट फोकस ऑन इज आवर ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैव बीन प्रूवन कि जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो आपकी एंग्जाइटी लेवल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। तो आप बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन डू एज सिंपल एज दैट, ब्रीद इन फॉर 4 एंड ब्रीद आउट फॉर 4। अगर ऐसे आप कुछ 10-12 ब्रीदिंग देंगे तो यू कैन फील दैट कि यू आर गेटिंग मोर काम, यू आर गेटिंग मोर स्टेबल, यू आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट। सो द थर्ड वे दैट यू कैन यूज टू reduce your anxiety and sometimes also eliminate is using the breathing exercise. Breathing exercise करके आप अपना public speaking anxiety को काफ़ी हद तक कम कर सकते। चौथा तरीका है, first time मैंने मेल रॉबिन्स से सुना था। मेल रॉबिन्स, अगर आपको पता नहीं, US की एक बहुत ही famous speaker हैं, author हैं, उन्होंने बहुत ही amazing book लिखी है, द 5-second rules, द high 5 habits। और वो कहती है कि हमारा दिमाग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे अंदर के जो रिएक्शंस होते हैं जब हम एंग्जाइटी में या स्केयर होते हैं और जब हम एक्साइटेड होते हैं, वो सेम होते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास मौका होता है कि हम रिवर्स इंजीन, तो फर्ज कीजिए कि आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं, कोई टॉक करने जा रहे हैं और आपके हाथ कांप रहे हैं या आपके पेट में बटरफ्लाइज आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ कि आई एम स्केयर्ड, यू कैन से आई कैन फील कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मेरे अंदर की एक्साइटमेंट बाहर आ रही है, आई कैन फील इट इन, आई कैन फील द एनर्जी। और जब आपने ऐसा स्विच दबाया, आपने उसको फियर की जगह पे एक्साइटमेंट किया, आपका माइंड विल स्टार्ट प्रोसेसिंग इट एज एक्साइटमेंट, एंड दिस इज वेयर यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो द नेक्स्ट तरीका जो बहुत ही कारगर है, दैट इज चेंजिंग वॉट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। Instead of telling कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, I am fearful, आपको कि मैं बहुत excited हूँ, I am so excited for this,
एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, ऐसा रातों रात नहीं हो जाएगा, बट जब आप बार बार अपने आप को ऐसा बोलते रहेंगे योर माइंड विल स्टार्ट परसीविंग एंड यू कैन फील दैट यस आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं जो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही कारगर है वो है तड़ाम स्माइल. नाउ स्माइल हैज बीन प्रूवन, स्माइल करना इज मच इजियर देन नमू गिराना, दुखी होना, रोना. एक पब्लिक स्पीकर थे, बहुत ही फेमस पब्लिक स्पीकर है इंडिया के, एंड आई सॉ हिम कि वो स्टेज पे गए और स्टेज पे 15 सेकेंड, यू नो 15 सेकेंड जब आप स्टेज पे आते हो तो एक एक सेकेंड काउंट होता है, 15 सेकेंड तक वो स्टेज पे खड़े थे और he had a very broad smile. And क्या हुआ उसके बाद, जब वो 15 मिनट तक स्माइल करते रहे लोग क्यूरियस भी हो गए और लोग भी स्माइल करते रहे और अल्टीमेटली देर वॉज अ थंडरस. तो जब आप स्माइल करते हो स्टेज पे जाते हो तो लोगों को लगता है यस ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये बंदा है जो कुछ करने वाला है, कुछ बताने वाला है, एंड पीपल ऑल्सो गिव यू द एनर्जी. सो स्माइल. और जो मेरा सेकेंड लास्ट टेक्निक है जो कि मैं ऑलमोस्ट अपने सारे कोचीज को मेंटीज को पुश करता हूँ, एक मेरी मेंटी कोची है रितिका करके, एंड आई रेफर्ड हिम कि एक यूट्यूब पे टॉक शो हो रहा था, व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक अबाउट वट एवर यू डू, एंड शी इज एन अमेजिंग पेरेंटिंग कोच, एंड शी वॉज स्केयर्ड, शी वॉज रियली स्केयर्ड. शी कॉल्ड मी कि आई डोंट थिंक आई कैन डू, गेटिंग लिटिल स्केयरिंग. आई सेड जस्ट से यस एंड देन फिगर इट आउट. एग्जैक्टली दिस इज द फॉर्मूला, से यस टू अपॉर्चुनिटी. जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि आपको 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, 20 मिनट, आप हाथ रेस कर दो, आप बोल दो मैं बोलने वाला हूँ. डोंट ट्राई टू हैव ऑल द आंसर एट दैट पॉइंट टाइम. क्या होता है कि जब आप यस बोल देते हो तो हमारा दिमाग इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग कि अरे यार मुझे आता ही नहीं है मैं करूँगा नहीं, वो उस पर आता है कि कैसे करना है, क्या से कैसे पे आता है. अगर आपने नाम दे दिया है तो इट्स बेटर टू गो एंड डू इट देन स्केपिंग. तो कई बार हम इनिशिएटिव ही नहीं लेते, कई बार हम चाहते ही नहीं कि हम नाम ही नहीं लेते कि नहीं मुझे नहीं बोलना, आई थिंक आई एम गुड. और आइए चलते हैं सातवां. आई वुड से या वन ऑफ द मोस्ट आई ओपनिंग थिंग फॉर मी, आई थिंक आई वॉज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, आई थिंक जी शेट्टी पॉडकास्ट और समथिंग, एंड उसमें एक सेंटेंस आया जिसने मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया. एंड वो सेंटेंस था कि जब भी आप ये बोलते हो कि आई हैव टू डू समथिंग, मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये फोर्स करना पड़ेगा, अगर आप इसको चेंज कर दो फ्रॉम हैव टू गेट, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई हैव टू गिव अ स्पीच, थिंक ऑफ इट इज आई गेट टू गिव अ स्पीच. थिंक अबाउट ये कितने सारे लोग हैं उनको मौका ही नहीं बोलता है मिलता है अपनी बात करने का, क्योंकि वहाँ पे कुछ बायस है, क्योंकि उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे वो सर्कमस्टेंसेस नहीं है, बट आपको मौका मिलना है, इट इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज. एंड जैसे वन ऑफ माय कोचेस सेड दैट इट इज प्रिविलेज ऑफ द प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म पे जाने का, आपको अपनी बात रखने का, लोगों सामने मौका मिल रहा है, तो प्लीज डोंट लेट योर लिमिटिंग बिलीफ स्टॉप यू. अपनी जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो सोच है जो आपको रोक रही है, उससे आगे बढ़ना है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बताएगा आपको कौन सी टेक्निक ऑलरेडी पता थी या कौन सी और टेक्निक है जो आप यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन की एंग्जाइटी को और कम करते हैं. अनटिल नेक्स्ट टाइम, एज आई ऑलवेज से, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन.